सो है गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू 01 ड्रीम एडिट्स। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप की डबल रोल फोटो एडिटिंग करने वाले हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। गाइस ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है तो वीडियो को पूरी देखना। और गाइस अगर एडिटिंग से रिलेटेड आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और गाइस मैंने जितना बैकग्राउंड और पीएनजीज यूज़ किया है सबका लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी चेक कर लेना। तो चलो गाइस वीडियो कर लेते हैं बिना देर के स्टार्ट। गाइस इस बैकग्राउंड को मैंने पिक्सआर्ट के अंदर ओपन कर लिया है। गाइस इसके अंदर आने के बाद सिंपली हम अपने मॉडल को ऐड करेंगे। तो चलना है गैलरी के अंदर और गाइस अपने मॉडल को मैं ऐड कर लेता हूँ, आप कर लेना। एंड गाइस इसको कुछ इस तरीके से बड़ा करके अपने बैकग्राउंड पे फुली सेट कर देना है। एंड गाइस हम अगेन अपने एक और मॉडल को ऐड करेंगे, तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। गाइस मैंने अपने दूसरे मॉडल को भी ऐड कर लिया है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप करूँगा। तो गाइस थोड़ा सा इसको क्रॉप कर दूँगा कुछ इस तरीके से यहाँ से, फिर गाइस राइट पे क्लिक कर दूंगा और कुछ इस तरीके से ना इसको बड़ा करके अपने बैकग्राउंड पे सेट करना है मुझे। तो इसको बड़ा कर देना है यहाँ से इस तरीके से। देन गाइस इस लेयर पे क्लिक करके इसको मूव डाउन कर देना है, ये अपने मॉडल के पीछे चला जाएगा। एंड गाइस इतना वर्क करने के बाद हम लोग इरेजर पे आएंगे। इरेजर पे क्लिक कर देना है, इसका जो हार्डनेस है सेम रहने देना, साइज ओपेसिटी देख लो। एंड गाइस इसको बड़ा करके कुछ इस तरीके से हम लोग इरेज करेंगे। देन गाइस इरेजर पे क्लिक करना है और उसकी हार्डनेस को फुली हम लोग यहाँ से जीरो कर लेंगे। और गाइस हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से इरेज करना है ताकि ये परफेक्टली मैच हो जाए। एंड गाइस हम लोग यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे। गाइस इसकी ओपेसिटी हम लोग कम कर लेंगे अराउंड 23 या 21, ठीक है। एंड गाइस यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे और फिर गाइस हमें चलना है यहाँ से टूल पे। गैस यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और इस रेडियल पे क्लिक कर देना है। गैस कुछ इस तरीके से हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। एंड गैस यहाँ से जो इसका अमाउंट है हम लोग इसको कम कर देंगे अराउंड गैस 5 या 6। देन गैस यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे। एंड गैस हमारी पिक जो लेफ्ट पिक्सआर्ट के अंदर थी वो कम्प्लीट हो चुकी है। इसको थोड़ा सा हम लोग फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे, उससे पहले गैस मैं एक और पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। तो अपना चलेंगे ऐड फोटो वाले ऑप्शन के अंदर और गाइस जो लाइट की पीएनजी होती है हम लोग इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं। गाइस मैंने ऐड कर लिया है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ से इसको ब्लेंड चेंज करके स्क्रीन कर देना है और गाइस कुछ इस तरीके से इसको बड़ा करके यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। देन गाइस यहाँ से फिर मैं राइट पर क्लिक कर दूंगा। एंड गाइस अपनी पिक को यहाँ से गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। और गाइस हम आ जाते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस आ चुके हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। गाइस हमारा जो बेसिकली वर्क है, हम लोग अपने जो मॉडल का जो पीछे बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा पेंट करेंगे। तो गाइस सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे मिल जाएगा आप लोगों को सिलेक्टिव टूल, इसके ऊपर क्लिक करके प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना। गाइस पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फर्स्ट या सेकेंड जो भी आपका मन हो उसके ऊपर चूज़ कर लेना। तो गाइस मैं यहाँ से सेकेंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जो भी एरिया रखेंगे हम लोग गाइस उसको पेंट कर देंगे। तो गाइस सेलेक्टिव एरिया जो भी आपको रखना हो तो उसी को पेंट करना। तो मैं गाइस यहां से कुछ इस तरीके से अपने जो सेलेक्ट एरिया जो मैं रखना चाहता हूं मैं बस उसी को पेंट करूंगा। तो गाइस मैं यहां पे कुछ इस तरीके से करके दिखा देता हूं। गैस पेंट करने के बाद हम लोग यहाँ से थर्मामीटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। गैस इसका जो टेम्परेचर हम लोग माइनस कर देंगे 37। देन गैस सेचुरेशन को इंक्रीज कर देंगे। एंड गाइस यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इफेक्ट ये अपने पिक के अंदर आ चुका है, हम लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। गाइस ये अपने पिक का बिफोर, एंड गाइस ये ब्रश यूज़ करने के बाद थोड़ा सा आफ्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। एंड गाइस इतना वर्क करने के बाद हम लोग अगेन चले जाएंगे अपने थर्मामीटर के टूल पे। गाइस मिक्स टूल के अंदर आ जाना। गाइस अपने जो टी शर्ट का हुडी है वो गाइस बैकग्राउंड से मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको मैच करेंगे। तो गाइस अपने येलो कलर पर हम लोग आएंगे, इसका जो ह्यू है हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है गाइस 84। देन गाइस इसके सैचुरेशन को भी हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ से 44। एंड गाइस ल्यूमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे 10। देन गाइस यहाँ से आ जाना अपने सियान कलर पे। गाइस इसका जो यू है हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे 11। देन गाइस इतना वर्क करने के बाद डन कर देना, कोई भी कलर को टच मत करना क्योंकि जो अपनी पिक है वो ख़राब हो सकती है। देन गाइस यहाँ से हम लोग आ जाएंगे अपने इफेक्टिव टूल के अंदर। गाइस इसका जो क्लियरिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे यहाँ से। गाइस डेज दे देंगे अपने पिक के अंदर। एंड गाइस हल्का सा विग्निटी देंगे। फिर गाइस शार्पनिंग को मेंटेन करना है तो शार्पनिंग देंगे अपने पिक के अंदर। नॉइस को भी इंक्रीज़ कर देंगे। एंड गाइस कलर नॉइस रिडक्शन को भी इंक्रीज़ कर देंगे हम लोग।
एंड गाइस यहाँ पे हमारी पिक फुली कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग इसका बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। गाइस ये पिक्सार्ट की फोटो जो हमने पिक्सार्ट के अंदर एडिट करी थी। एंड गाइस ये लाइटरूम की फोटो, गाइस देखने में हमारी फोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। गाइस हमारा पूरा वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। गाइस सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस लेयर के ऊपर क्लिक करके अपनी फोटो को सेव टू डिवाइस कर लेना है। और गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि जो हमारे आने वाले नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को ईजिली मिल सके। सो गाइस मिलते अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ।